उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का राग आलापना शुरू कर दिया है। न शनिवार को मायावती से लेकर अखिलेश ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, तो वहीं रविवार को आपने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपने तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा दोबारा खटखटाने तक की बात कह डाली है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव में ही बहुमत के साथ जीती है, क्योंकि वहां ईवीएम से मतदान कराया गया, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के चुनाव में मतपत्र से वोट डाले गए तो बीजेपी को बेहद कम सीटें मिली। इससे साफ है कि जहां ईवीएम का इस्तेमाल हुआ वहां बीजेपी शेर बन गई और जहां मतपत्र से मतदान हुआ वहां ढेर हो गई। संजय सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कराकर ही जीत हासिल कर सकती है। ईवीएम हटाने की मांग को लेकर संजय सिंह ने कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे तब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीतते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर यह बात सच साबित हुई है। जहां एक तरफ ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर संजय सिंह का गुस्सा बीजेपी पर फूटा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने निकाय चुनाव में आपके अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ी है, जिसमें पार्टी के 2 नगर पंचायत अध्यक्ष और 44 पार्षद और सभासद जीत कर आए हैं। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह इस चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है, उसके लिए पार्टी राज्य की जनता का आभार जताती रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।